गोरखपुर महानगर के जगत नारायण त्रिपाठी मेमोरियल बाल महिला जन उत्थान समिति एवं राष्ट्र वंदन समिति के संयुक्त तत्वाधान में घटते हुए जलस्तर और बदलते पर्यावरण को लेकर समिति के लोगों ने जागरूकता के लिए कार्यक्रम किया। जागरूकता के इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ में उल्टा छाता ले रखा था, साथ ही पर्यावरण को बचाने के उपायों एवं पर्यावरण से होने वाली हानियों के संदर्भ में तख्तियां उनके हाथ में थीं। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य रूप से विजय खेमका, नीलम पांडे, अशोक सिंह, राजा राय, राजेश, अनुपम गौड़, अनुराग, विशाल, शुभम, देवीलाल गुप्ता, मधुसर राव समेत कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कार्यक्रम के संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, जल संरक्षण जल ही जीवन, जल है तो कल है। दुर्गेश त्रिपाठी, आज राष्ट्र वंदन समिति के सभी पदाधिकारी आज घटते हुए जल स्तर से चिंतित होकर के और जो विश्व में और भारत के इलाकों में जो जल के स्तर में भारी गिरावट आई है, पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा है, इसको लेकर के हम लोग सब चिंतित हैं और आज हम लोग ने उल्टा छाता करके एक जल संरक्षण के लिए संदेश देने का यहाँ कार्य किया है आम जनता को, कि जो दैवी जो अमृत रूपी बरसात हो रही है ये हम लोग नालियों में और सड़कों पर वेस्ट कर दे रहे हैं। अगर इनको हम लोग हार्वेस्टिंग करके इनका सही ढंग से अगर हम लोग प्रिजर्वेशन करें और वो भूगर्भ में जाएं तो ये आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोग बहुत बड़ा एक वरदान सिद्ध होगा और इसी सब के जागरूकता के लिए हम लोग ये कार्यक्रम किया हुआ है। एक एक बूंद जिस तरह जल की इकट्ठा होकर के महासागर बनाती है, एक एक किया गया प्रयास हमेशा कारगर सिद्ध होता है, सार्थक सिद्ध होता है। आज हम लोग यहाँ पर 10-12 की संख्या में आज लोगों को जागृत कर रहे हैं। ये मुहिम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया है, उन्होंने भी इसको अभी अपने मन की बात में लिया था और वहीं से हम लोग को ये विचार आया है कि हम लोग अभी इस पर काम करना चाहिए। मुझे लग रहा है पूरा देश जगेगा और ये जो हमारी बरसात का पानी जो बर्बाद हो रहा है, हम लोग घरों में प्रयास करेंगे और वो सही ढंग से प्रिजर्व होगा। सरकारें भी इसके लिए प्रयास करेंगी।